आज के हमारे जो नेकी के मेहमान हैं, या आज की हमारी जो बहन नेकी के मेहमान, मेरे पास बाकी कोई अल्फाज नहीं है कुछ भी कहने में। इसमें कोई मुबालगा नहीं, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं कहने को। जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला है ये। हाँ, बतौर एक मेज़बान के, एक एंकर के, क्या कहा जाए, किस तरह से बताया जाए, और इस तरह की सिचुएशन शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी की हद तक तो देख रहा हूँ और फेस कर रहा हूँ, जिसे सुनना, बर्दाश्त करना, देखना तकरीबन बड़े बड़े बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है, नामुमकिन सा नज़र आता है। पैकेज एक पैकेज है आज के मेहमान के हवाले से, और यही आज की मेहमान है। बस इस पैकेज को देखते हुए ज़रा तय कर लीजिएगा कि आप क्या सहूलत पैदा कर सकते हैं इनकी ज़िंदगी में। यास्मीन हमारी मेहमान है, उनके हवाले से पैकेज मुरतब किया आपको दिखाते हैं। नवी जमात की तालिबा यास्मीन खून के आंसू रोती है। ये उर्दू जबान का कोई मुहावरा नहीं, किसी शायर का कोई तखय्युल नहीं, और ना ही किसी नॉवल या अफसाने का कोई जुमला है। लाहौर की यास्मीन सचमुच खून के आंसू रोती है। इसकी बीमारी इस कदर अंदोहनाक और खून आशाम है कि जब ये दर्द से कराहती है, तकलीफ से बेचैन होती है, और बेपनाह अजियत बर्दाश्त करते करते जब इसके जब्त का बंधन टूट जाता है और आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक जाते हैं, तो ये आंसू आंसू नहीं बल्कि खून होता है। यास्मीन की आंखों से पानी नहीं, लहू टपकता है। ये बच्ची जिसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, जिसने अभी ख्वाब देखना शुरू किए थे कि इस पर बीमारियों के पहाड़ टूट पड़े, जिन पलकों पर ख्वाब सजाए थे उन पलकों से खून रिसने लगा, जिस चेहरे को जिंदगी की उमंग और तरंग के साथ दमकना था उस पर हर वक्त खून और खून के लोथड़े जमे रहने लगे। बीमारियों की तवील फहरिस्त का आगाज खून उलटने से हुआ। पता चला मेदे का अल्सर है, फिर मेदे की शदीद तकलीफ ने आंखें छलकाईं तो पता चला कि आंखों में आंसू नहीं लहू की बूंदें हैं, फिर हेपेटाइटिस की तशखीस हुई। जिंदगी हर कदम एक नया कर्ब, एक नया अजाब साथ लेकर आई। मैं तो 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, जैसे सबके ख्वाब होते मेरे भी बहुत से ख्वाब थे, लेकिन अभी वो कहते हैं कि तुम नहीं बचोगी। नहीं, अल्लाह करे, जो उन्होंने इलाज बताया वो बहुत महंगा है हमारे लिए। हमारा अपना घर था, मेरी अम्मी अबू ने वो बेच के मुझ पे लगा दिया। मेरी आपे की अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि उसका रिश्ता मेरी वजह से रुका हुआ। मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है हम इसको किसी हॉस्पिटल भी लेके जाएं, और इसके बचने के चांस बहुत कम है। यास्मीन की माँ की आंखें तो नहीं, लेकिन दिल खून के आंसू रोता है। एक घर था जो माँ बाप ने अपनी नाजों पली बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बेच दिया है। अब अस्पतालों के धक्के, बेटी की तरफ लम्हा बलम्हा बढ़ती हुई मौत और उसकी नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ का एहसास इन गरीब माँ बाप का कुल असासा है। औलाद वालों, इस बेटी की आंख से टपकने वाले लहू का एक एक कतरा, दर्द से उठने वाली एक एक टीस, और इसके माँ बाप पर हर लम्हा गुजरने वाली कयामत आप सबके सामने झोली फैलाए खड़ी है। इसे जिंदगी की भीख चाहिए। अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, अपनी औलाद के सदके यास्मीन की जिंदगी बचा लीजिए। यास्मीन उसी तरह अपने माँ बाप के दिल की ठंडक है जैसे आपके बच्चे आपके लिए। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे।
अच्छा चले, अब आपने हौसला करना है, हिम्मत करनी है, रोना नहीं है। अल्लाह अल्लाह करे आज आपकी मुश्किलात यहाँ से थोड़ी कम होके जाएं। किस तरह से शुरू हुआ ये? 2014 में सुबह तीसरे महीने में 23-24 मार्च को अपने स्कूल जा रही थी और अचानक मुझे कहती है मम्मी अल्लाह हाफिज, मैं स्कूल जा रही हूँ। सब घर वालों को इसने अल्लाह हाफिज कहा और फिर मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा भैया बेटा क्या हुआ? कहते मेरे दिल घबरा रहा है। उस टाइम इसको ना खून की उल्टी आनी शुरू हुई, 3 मरतबा खून की उल्टी आई। हम लोग सारे घर वाले जो है बेहोश हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर हमने मेरे बेटा जो है उसने मन टूटू वाले कॉल की, वो गाड़ी भी आई है, वो अपना ले जना हॉस्पिटल लेके गए। फिर गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए, उनने आईसीयू वार्ड में ये 10 दिन रही गंगाराम हॉस्पिटल में। उन लोगों ने हमें शेख जैद भेज दिया। शेख क्या बताया क्या डॉक्टर? उनने कहा मेदे के इसको अल्सर है और इसके अंदर जख्म है। मेरी आंखों से कब खून आना शुरू हुआ? आंखों के 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से खून? 1.5 साल हो गया। और जो ही हमारे पास पैसे थे और हमारा अपना घर था वो बेच के और हमने इसके ऊपर लगा दिया। सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, दिखाइएगा। इसमें क्या है? इसमें नहीं, इसमें और कागज है। जरा रिपोर्ट्स भी जो हैं कामरान भाई, जरा इनकी रिपोर्ट्स मंगवाइएगा सारी। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें सर्विस हॉस्पिटल भेज दिया। बस 2.5 सालों में पूरे लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं जो हमने छोड़ा हुआ है। हर हॉस्पिटल से इसका इलाज करवाया है। पिछले माह अब मुझे सिर्फ ये बताएं ताकि हम अभी से अनाउंस करके फिर बात करें अपनी बहन से। पिछले माह उन लोगों ने कहा भी इसकी जो है ना वो हालत खतरे में है और उन डॉक्टर जवाब देने का भी 20-25 लाख का इसका इलाज है। जो ये इसका इलाज हुए थे ये बाई सकते। अभी तक वैसे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दिखा सके? नहीं, हमारे पास सरकारी अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटलों में और जो भी थे वहाँ मेडिसिन लेके देते थे, हम अपने पैसों से लेके आते थे। प्राइवेट अस्पताल हैं या अच्छे अस्पताल हैं वहाँ 20-25 लाख? हाँ जी, 20-25 लाख रुपया उन्होंने बताया जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास घर कहाँ था आपका? घर हमारा था नादराबाद में, लाहौर में नादराबाद में हमारा अपना घर था। बेच दिया जब इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी और 2-3 मरतबा डॉक्टर चबा दे थे, हम घर लेके आते थे। हमारे पास हमारी आँखें के अंधेरा हो जाता था। मैं कहती यार अल्लाह मेरी जान ला, मेरी बेटी को जिंदगी बख्श दे, यार अल्लाह हमें मार लो, मेरी बेटी जिंदगी बख्श दे। हमारा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, हमारा घर खून से लगभग हो जाता था जब इसकी कंडीशन ऐसी होती थी। कोई भी हमारा मोहल्ले वाला भी नहीं देख सकता था, हमारे सब के आगे हाथ बंधे होते थे। खुदा रहा खुदा के वास्ते हमारे आप लोगों सब लोगों का आगे अपील, मेरी बच्चे की जिंदगी बचा लो, मेरे इंशाल्लाह। खातिन हज़रात, ये 20-25 लाख बस आज हमने यास्मीन को मधु किया है, यही हमारी मेहमान है और बस आज ये देखना है कि इस सेगमेंट के अख्ताम तक अल्लाह ने चाहा तो हम ये रकम जो बज़ाहिर थोड़ी ज़्यादा रकम लगती है लेकिन इसको इंशाल्लाह हमने पूरा करके इस ख़ानदान को यहाँ से इंशाल्लाह अज़ीज़ एक अच्छी ख़बर के साथ, एक उमंग के साथ, एक उम्मीद के साथ भिजवाना है। मैंने कल पूछा इनसे, इन्होंने जब मुझे कहा कि मैं जब रोती हूँ तो खून आता है आँखों से, तो मैंने कहा बेटा आप क्यों रोई ना, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा मुझे तकलीफ़ इतनी होती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे रोना पड़ता है। ये अभी भी ज़ाहिर है इस वक्त भी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस तकलीफ़ को इस दर्द को दिखाना भी हमारी मजबूरी थी। और अगेन ये हमारा आखिरी ऑप्शन होता है कि जब तक ये नज़र नहीं आएगा तब तक ज़ाहिर है लोग जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ने जिनकी जिन पर मेहरबानी है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि दुख कितना है, तकलीफ़ कितनी है, अज़ियत कितनी है। तो यास्मीन से भी हम बात करें। सलाम अलैकुम। पहले बस मैं अनाउंसमेंट एक कर दूँ फिर आप बात करते हैं। एक आपने वजीहा साहिबा का बताया जिन्होंने, सही, वजीहा साहिबा ने 50,000 और ग़ुलाम शब्बीर साहब ने 1 लाख रुपए हमें कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो 25 लाख रुपए का हदफ जो है हम आज रखते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके अख्ताम तक। अच्छा, एक तो प्लीज़ आपने रोना नहीं है, अब कोशिश करें ज़रा, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दे। हमने कोशिश करनी है कि आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह यहाँ से ठीक करके भिजवाएं। नवी जमात में थी जब ये शुरू हुआ आपकी बीमारी का सिलसिला? आप ठीक हैं? 30 मार्च को स्कूल जा रही थी, एग्ज़ाम थे,
अचानक से मुझे ब्लड की वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। पहले दो बार हुई तो मैंने बर्दाश्त किया, मैंने किसी को नहीं बताया। जब तीन चार बार हुआ तो मैं बेहोश हो गई थी। अम्मी हॉस्पिटल लेके गई, यानी कि कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ ये मुझे नहीं लेके गए। इन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है मुझे मेरा इलाज करवाने की। मेरे अब्बू की टांग टूटी हुई है, वो फिर भी मेरी वजह से काम पे जाते हैं। मैं हमारा घर बेच के इन्होंने मुझ पे लगा दिया ताकि मैं सेहत याब हो सकूँ। मेरी बहन कवारी बैठी हुई है, उसकी उम्र बढ़ रही है। मेरे लिए उसके जहेज का सामान जो भी जमा पूंजी थी वो मुझ पे लग गई। अभी भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि उतारा मेरे इलाज करवा दे ताकि मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर लूँ, मैं अपने माँ बाप की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करूँ जो मुझे साल में नहीं देख सकते। जब मेरी आंखों से ब्लड आता तो मुझे लगता कि जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। जब मुझे वॉमिटिंग होती है तो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन 2.5 साल के अरसे में मैंने ज़िंदगी का बहुत मुश्किल सफ़र तय किया है और शायद मैं नहीं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी इतनी आजमाइशें ले कि मेरी हिम्मत टूट जाए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते मेरी हिम्मत टूटने से पहले हमारी मदद की जाए। डॉक्टर क्या बताते हैं, ये आंखों से खून क्यों आता है? कि आप तो बाशरा पढ़ी लिखी भी हो ना, तो क्या समझ में आया डॉक्टर की क्यों निकलता है? वो कहते हैं कि जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो, परेशानी लेती हो, तो तब आँखों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। दिमाग के करीब कोई वेन्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए तुम्हारा ब्लड आता है। तो इसका इलाज मुमकिन है लेकिन वो है महंगा। तो जितना हो सकता था मेरे माँ बाप ने करवाया है, अब वो नहीं करवा सकते हैं। तो आपके साथ जो बच्चियाँ पढ़ती थीं, अब तो ज़ाहिर वो पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में चली गई होंगी, आगे यूनिवर्सिटियाँ उनकी। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरी बहुत सी ख्वाहिशात थी, लेकिन जब से ये बीमारियों में मेरे पल्ले पड़ी है, मेरी सारी ख्वाहिशों ने दम तोड़ दिया। मैं भी कुछ करना चाहती थी, मेरे बहुत से ख्वाब थे। मैं अपनी हर क्लास में फर्स्ट आती थी, मेरे बहुत से फर्स्ट प्राइज मेरे घर में पड़े हुए। मैं कभी सेकंड थर्ड पोजीशन पे आई नहीं थी और अभी मैं 2.5 साल से अपने घर में बैठी हूँ अस्पतालों के चक्कर। मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही हूँ, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस तरह उनकी बेटियाँ उनकी बहनें अल्लाह के वास्ते, मुझे भी वैसे ही समझ के मेरी मदद की जाए। बिल्कुल वसीम, हमने कल से अब तक ज़ाहिर जो रिपोर्ट्स थी मैंने मंगवाई भी, अभी आ जाती हैं। और ज़ाहिर जितनी इस्तेदाद थी वो भी घर बेच के सरकारी अस्पतालों में कर सके तो उन्होंने अपना वो किया। उसके बावजूद हमने जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर से अब तक जो राय ली है, बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा। बेहतरी की जानी जा, मेदे का अल्सर है, ज़ाहिर उसका अच्छे तरीके से अगर इलाज किया जाए, या आँखों का भी इस तरह ने बताया कि दिमाग की कोई नर्व है जिसकी वजह से, तो बिल्कुल इलाज मुमकिन है। सब बर्बाद हो चुका है। बहन जिस तरह ने बताया कि जहेज़ की वजह से उसकी शादी का जो सिलसिला है वो रुक गया है, ये रिपोर्ट्स हैं। ये खातून हज़रात, आप में से जो बंदा खुदा जितनी मदद करना चाहे वो करे, लेकिन उसके साथ अगर अपनी तसल्ली करना चाहता है कि ये वाकई एक मर्ज़ है, ये कोई अफसानवी बात नहीं है, ये कोई टेलीविज़न पे कोई आप ड्रामा नहीं देख रहे हैं, ये आप किसी शेर व शायरी की बात नहीं सुन रहे हैं, हम किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कहानी नहीं घड़ रहे हैं आपके सामने, आप जितनी मदद करें उसके नतीजे में जितनी रिपोर्ट्स आप कहें, जो जो इन्होंने अब तक जिन डॉक्टर्स को दिखाया, ये शेख जैद हॉस्पिटल की हैं, ये सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये सारी कॉपीज़ जो हैं आपको भिजवाई जा सकती हैं, आप जैसे चाहें तस्दीक कर सकते हैं, इनका बराह रास्त नंबर आपको दिया जा सकता है। आप ये इनमोल आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये आपको भिजवाई जा सकती हैं। आप बस ये कि जिस तरह तसल्ली चाहें आप करें और उसके बाद चाहे आप मदद करें। सही, और देखें ये बहुत बड़ा जुमला है जो इन्होंने रवानी में कह दिया इस हालत में भी, कि उन्होंने कहा मैं अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा दिल चाहिए ये बात कहने के लिए, ये बात सोचने के लिए। भाई हमें आज इसीलिए ये
पेपर पेन लेके बैठ गया हूँ कि इंशाल्लाह इतना मामला हो जाएगा कि हमें लिखने की ज़रूरत पेश आएगी इंशाल्लाह। और ये जो कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो मैं कर देता हूँ। यहाँ ऑफिस से ही हमें एक बंदा है खुदा ने ये एक एनवलप भिजवाया है जिसमें 48,000 रुपये हैं। ओ माशाल्लाह। ऑडियंस से मैं आप लोगों का हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ, आप लोग दुआ करते हैं और प्रैक्टिकली भी करते हैं। ऑडियंस से भी एक मुझे एक एनवलप आया है, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट है, अभी हमने खोला नहीं, वो डायरेक्ट यही देख लेंगे। इसके अलावा एक बंदा है खुदा है दुबई से, उन्होंने 1,00,000 रुपये का उन्होंने ऐलान किया है। एक और बंदा है खुदा है, उन्होंने 50,000 रुपये का ऐलान किया है। अच्छा, उस्मान साहब हैं, उन्होंने भी 1,00,000 रुपये दिए हैं उस्मान साहब ने। और आसिफ हमीद साहब हैं लाहौर से, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने, आयशा हामिद, अच्छा आयशा हामिद साहिबा, ठीक है, लाहौर से, आई एम सॉरी, आयशा हामिद साहिबा हैं लाहौर से। आयशा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, जी जी जी, अच्छा ठीक है। इसी दौरान हमारे ऑफिस से एक और बंदा है खुदा ने भी 50,000 रुपये प्लेज किए हैं, और आयशा हामिद साहिबा ने लाहौर से कॉल करके 3,00,000 रुपये, आयशा हामिद साहिबा बहुत शुक्रिया आपका आयशा हामिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह इन सब के बच्चों को सलामत रखे, इनकी इनकी अगर बेटियां हैं अगर औलादे हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह उनको दुआई की जा सकती है। बस ख़तम 25,00,000 रुपये आज इंशाल्लाह अज़ीज़ हदफ है, और 25,00,000 से अल्लाह करे कि यास्मीन की ज़िंदगी। और फिर मैं बार बार ये करता हूँ कि ये वो है जो हम इंसानी तौर पर कर सकते हैं। हम ये कर सकते थे कि इनका जो मामला है वो आपके सामने रखें। आपको अगर अल्लाह ने ये इस्तेआत दी है तो आप ये कर सकते हैं कि इनकी मदद करें, लेकिन सबसे अहम चीज़ है दुआ। पूरा पाकिस्तान अगर हाथ उठा के दुआ करे कि अल्लाह यास्मीन की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उन्हें आसान करे, इसकी तकलीफ़ को, इसके दुख को, इसके इसके दर्द को अल्लाह कम करे, तो वो दुआएँ भी बहुत ज़्यादा अहम हैं और उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग जो मदद कर सकते हैं माली तौर पर वो तो ज़रूर करें, लेकिन जो दुआएँ उसकी दरख्वास्त पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ आप लोग मौजूद हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर कीजिए इनके घर वालों के लिए, इनके माँ बाप की तकलीफ़ की कमी के लिए। और देख रहे हैं आप मुसलसल इनकी वालिदा जो है वो मेरी दरख्वास्त के बावजूद रो रही हैं, और ज़ाहिर है 1.5 साल से जिनकी बेटी खून रो रही है, खून की उल्टियाँ उन्होंने बताया, खून थूकती है, यानी अभी अजीब वो है सूरत हाल के अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं सब चीज़ें, लेकिन वो तकलीफ़ जो है वो अभी इस वक्त ज़्यादा हावी है, उसकी शिद्दत जो है इस पूरे माहौल को सुगवार किए हुए। हाँ जी, और ये बिल्कुल अल्लाह जानता है कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या ये लफाजी, इसको अल्लाह को ही गवाह बनाकर हम माह रमज़ान के आखिरी सातों में कह सकते हैं कि हमें खुद, आप यकीन मानिए, इवन अनाउंसमेंट्स करते हुए भी या बात करते हुए हमें एक मुझे पता नहीं कि शर्मिंदगी सी हो रही होती है। आप यकीन मान लीजिए कि ये जुमला, ये मैं सिर्फ अल्लाह को ही गवाह बना सकता हूँ इसमें कि ये बात सही है यानी, लेकिन हमें इस वक्त इससे ज्यादा मुनासिब कोई तरीका और समझ में नहीं आता है कि कुछ करने का। ये भी तो बस रब्बे जुल जलाल की कसम खा के, हाँ। कि अल्लाह ने कोई ऐसा खजाना दिया हुआ होता है, कुछ ऐसा होता है कि हम खुद, हाँ। उसमें से निकाल के, तो ये सब शायद फिर वही बात है कि ये आखिरी ऑप्शन होती है, हाँ। कि हमें पता है कि इसके अलावा मदद नहीं होगी, इसके अलावा मुश्किल हो जाएगा इस खानदान की अजियत को कम करना, तो बस फिर यही एक ऑप्शन होता है कि मजबूरन उनको लाया जाए, बात की जाए लोगों से। असल में ये बीमारियाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए देते हैं, अल्लाह ने आपको हमें जो माल दिया हुआ है वो माल हम अल्लाह के लिए तो आसान है, सेहत देना आसान है, सेहत और बीमारी उसी के हाथ में, और उसके खजानों में पैसे की भी कमी नहीं है। तो एक माशरे के अंदर लोग आपस में हमदर्दी का मामला रखें और अपने माल को खर्च करें, इसलिए ये बीमारियां माशरे के अंदर दी जाती हैं। और ये रमज़ान मुबारक का महीना है, अब तो आखिरी सातें हैं बिल्कुल, तो इसके अंदर जिन्होंने अभी तक अपना ज़कात का माल नहीं दिया हुआ, क्योंकि इन लोगों को ज़कात भी लगती है, कोई कोई अपने मदद के तौर पे सदका देना चाहें, कोई खैरात देना चाहें, और वो कह रहे थे कि इस बच्ची के लिए दुआ भी करें, तो हम आखिर के अंदर एक थोड़ी देर हो तो दुआ भी करें। हाँ ठीक है, ये मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऑडियंस से मुसलसल लोग पूल इन करके अपने तौर पर, और ज़ाहिर है क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो इस केस को देखते हुए, लेकिन वैसे ज़ाहिर है नीयतें इसमें बहुत अहम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, ये ऑडियंस की तरफ से भी जो कुछ आ रहा है। इसके अलावा मिसेस कासिम हैं, उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए हैं। मोहम्मद जमील साहब ने 4,000 रियाल दिए हैं। इलियास साहब ने 50,000 रुपये दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के, बहुत एहसान मिले, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक, बस हम आहिस्ते से जा रहे हैं क्लोजिंग की तरफ सेगमेंट की। दरख्वास्त भी है कि वो गैर है वो जो बंदा है खुदा हमेशा उन, वैसे तो उन्होंने सवाब दीदी इख्तियार दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा अगर टीम उनसे रब्ता भी कर ले तो अभी, चाहे वो अनाउंसमेंट कर लें या उसके बाद, या जिस तरह मिसेस नूरा करती हैं, तो हम वो तो हमारे ज़ाहिर
तो बस आप हिम्मत करें, हौसला करें। अब आपकी ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है जब आप उसका इलाज करवाएंगी, या अच्छे डॉक्टर्स देखने हैं, अस्पतालों में जाना है आपने, ठीक है ना? तो आप हिम्मत हारेंगी। जब भी इसको डॉक्टर जवाब दे देते थे ना, तो हम घर लेके आते थे, मेरे पाँव थले ज़मीन निकल जाती। मैं हार्ट की मरीज हूँ, एक साल हो गया मेडिसिन खा रही हूँ, मेरे 3 ऑपरेट हो गए, मेरे पिते का ऑपरेट हो निकाल दिया, स्टार्ट डाले ही नहीं, 5 kg, 4 जब बीमार नहीं थी ये, तो कैसी बच्ची थी घर में, आपका हाथ बटाना सब चीजें? ये इतनी थी, हमारे पूरे खानदान में नहीं, मैं जितनी इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है। या तो 250 नाते जो है ना, वो जबान नहीं ये सुनाती थी, अपने स्कूल में फट आती थी, मिलाद पढ़ने जाती थी, लोग हमें कहते थे काश हमारी बेटी भी ऐसी हो। मैं अल्लाह का दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी बेटी को तमाम अपनी हिफाजत में रखी, बद नजरों तो बचाई। इसके इतने लंबे बाल थे, ये कमीज पहनती थी उससे लंबे इसके बाल थे, अपने बालों में छुप जाती थी, इतनी खूबसूरत थी। इसके घर पीछे पड़ी है, वो मेरा दिल नहीं करता देखने को। पे जाते थे लोग कहते थे यासमीन यासमीन, हर बंदे के मुंह से यासमीन की आवाज़ आती थी। और 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती है, अभी भी 5 वक्त नमाज पढ़ती है, अभी भी इसने 20 रोज़े रखे हैं। मैंने इसको डांटा, अभी मार है मेडिसिन खानी, रात को खाती है, और इसके पाँव में बिल्कुल आजक नहीं होती। हम लोग बहुत बस अल्लाह करम करने वाला है, पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, आप देखिएगा। जब आपका शो देखते थे, मैं अल्लाह के दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इतने लोगों को वसीला बनाए, हमारा भी बना दे, अल्लाह ताला मेरी बेटी का वसीला बना दे। अल्लाह ने वसीला बना दिया, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबर के साथ। खुशबू साहिबा हैं, उन्होंने 50,000 रुपये, खुर्रम साहब हैं, उन्होंने 50,000 रुपये, बंदे खुदा एक हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने 1,00,000 रुपये, माशाल्लाह। गुलाम मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने 1,00,000 रुपए। वाह, ये ऑडियंस से तो मुस्तकिल आ ही रहे हैं, हमारे ऑफिस से आ रहे हैं। अभी मैंने हाथ में रख लिया लिफाफा ताकि मैं इसमें मज़ीद ऐड करता जाऊँ, क्योंकि अंदाज़ा ज़रा कैलकुलेट करके बताओ कि क्या रफली हम, और बस अल्लाह करे कि बेहिसाब ही हो जाए मामला। बहन की ज़िंदगी वैसे ही बहुत, बच्ची का जहेज है, दूसरी बहन की शादी का इंतज़ाम है, ज़ाहिर है घर है दोबारा से, इसका इलाज भी कि खुले अंदाज में ये लगा सकते हैं और ये ठीक हो, राहत और सुकून मिले। कैलकुलेट किया, हमारे पास तकरीबन 14,00,000 रुपए हो गए, 14,00,000 रुपए हो गए हमारे पास। वाह भाई वाह, सेफ साइड में, ठीक है, जरा सेफ साइड में, हां ठीक है, एहतियात तो अभी आ रहा है सिलसिला। हां हां, तो ये एक बस फिर बस दुआया नोट पे आखिर में जो भी आप उसके बिल्कुल बस एक तो बहन, आपने ये सोचना है कि सब भाई बहनें जितने भी हैं मुश्किल वक्त सब पे आ जाता है, तो ये इसको किसी और अंदाज़ में नहीं, मुझे अंदाज़ा आप पढ़ने लिखने वाली समझदार बच्ची हो, तो इसको अब आपने दिल पे इस तरह से नहीं लेना कि ये किस तरह से किसी चीज़ में, ये कि हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना जब भी कोई मुश्किल में आता है। तो अल्लाह करे आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, आप अपने ख्वाब पूरे करो, आगे जाओ, तो आप फिर आप भी इसी तरह से लोगों की मदद, हम दो हैं आपके भाई, ठीक है ना? ये बात हो गई तय, सही है, ठीक है ना? हम दो हैं आपके भाई, ठीक हो जाओगे, किसी की भी मुश्किल हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने इस बात को कहीं भी ये नहीं सोचना कि ये क्या था और हमने कैसे बैठा और टीवी पे और लोगों से, ये बिल्कुल नहीं, अल्लाह आपको ठीक करेगा और फिर आपने इसी तरह से लौटाना है। जैसे अगर हमारे घर में कोई मसला होता अगर, तो हम लोगों से कह देना कि भाई मेरी बहन के साथ मसला है, कुछ मदद करो, अगर हमारे पास कुछ ना होता हमारे घर में, बस हमने वो काम किया है, तो हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, वो तो वो तो होगा, ये तो सिर्फ वो है कि जो हो गया, तो बाकी तो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अब अच्छा सोचना है, डॉक्टर्स ने कहा ना कि आप ज़्यादा सोचती हैं, डिप्रेस होती हैं तो ये खून के आंसू आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है अच्छा अच्छा सोचना, ठीक है ना? अल्लाह सेहत देगा आपको, बस एक दुआ करवाते हैं, बाकी जो सिलसिला है आप जुनैद भाई प्लीज़ प्लीज़, आज जुनैद भाई मुझे अंदाज़ा है कि ठीक, वैसे तो बात ही नहीं हो रही बिल्कुल इस बच्ची को देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे तफात है, सब हाथ उठाएं जो टेलीविज़न के उस तरफ भी बैठे हैं, यहाँ पे भी सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, या अव्वल अव्वलीन या आखिर अल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या रहमल मसाकीन, ए अल्लाह ए अल्लाह, ये जिन लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह ये हमारी बच्ची जिस तकलीफ़ में है मेरे मालिक अपने फजल से इसको इस तकलीफ़ से निजात फरमा, और इसी की तरह की जितनी बच्चियां सारे मुल्क में
सारे आलम इस्लाम में या अल्लाह, जो जो इस किस्म की तकलीफ़ से इस वक्त जिन जो माँ बाप गुजर रहे हैं, वो बच्चियाँ गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, या अल्लाह उन सबको सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा। इस बच्ची को सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा। इसको दोबारा से इसकी वही पुरानी वाली ज़िंदगी अता फरमा। इसके माँ बाप को शादो आबाद फरमा। ए अल्लाह, इस बच्ची की सेहत के लिए जिन जिन लोगों ने अपना माल इस बच्ची को दिया है, मेरे मालिक अपनी शान के मुताबिक उन लोगों को उस माल में बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनको दायमी सेहत अता फरमा, उनकी औलादों को सेहत अता फरमा, और जो देना चाह रहे थे न दे सके, ए अल्लाह उनके अपने, तू बड़ा कदरदान है, उनकी इस नियत पर ए अल्लाह तो उनको भी अता फरमा। इस बच्ची के इन तमाम मसाइल को हल फरमा। महज अपने फजल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन, आमीन। से करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तो ये जब सुनने को मिलता है ना कि माह रमजान यूं आ गया, तो एकदम एक दिल को, एक जैसे दिल यहां से हलक में आ जाता है कि ये तो बिल्कुल अब इसके जाने का वक्त है। उलमाए किराम हमारे साथ हैं, और मौलाना इमरान बशीर साहब, अल्लामा तकी मेहदवी साहब, और मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। हज़रत, पहला सवाल बाहर से लूँगा मैं। जी क्या सवाल है, पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है, क्या शादी के बाद सास ससुर की अतात लाजिम है? शादी के बाद सास ससुर की अतात लाजिम है? हज़रत, ये फ़िक़ही मसला है या फ़िक़ह ही भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इताअत इस तौर पर तो लाजिम नहीं है कि उनका कहना मानना फ़र्ज़ या वाजिब हो, लेकिन इस जहत से कि चूँकि वो शोहर के वालिदैन हैं और शोहर की खुशनूदी औरत की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि शोहर राज़ी हो, तो उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा भी हासिल होती है। जैसे शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हालाँकि घर का काम करना औरत पर कोई वाजिब नहीं होता है, ये शोहर की ज़िम्मेदारी है कि वो खाना भी प्रोवाइड करेगा, लिबास भी वही देगा, लेकिन आप अपने हाथ से सारा काम करती थी। यकीनन अल्लाह की रज़ा मतलूब है और अपने घर वालों को भी राज़ी करना मकसद है। तो इस जहत से अगर बहू सास ससुर को अपने माँ बाप तस्वूर करके उनकी इताअत करती है, खिदमत करती है, और वो इसको अपनी बेटी समझ कर उस खिदमत को कबूल करके उसको सराहते हैं, तो वो घर इंशाल्लाह जन्नत बनेगा। अब यहाँ होता यह है कि लड़की उसे शौहर के माँ बाप समझती है, अपने नहीं, और वो अपने बेटे की बीवी समझते हैं, अपनी बेटी नहीं, उससे फ़र्क पड़ता है। और लाजिम बात है कि इससे फिर एक तफरीक सी पैदा होती है, एक दूरी पैदा होती है, फिर बदगुमानी डालने वाले होते हैं, उससे फिर घर का माहौल ख़राब होता है। सच, बिल्कुल। तकी भाई जी, हकीकत ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं तो यर्ज़ करूँगा कि शौहर की भी इताअत बहुत कम उमूर के अंदर फ़कत वाजिब करार दी गई है। 2 से 3 काम ऐसे हैं कि जो शौहर कहेगा तो उस पर अमल करना वाजिब है, वरना मुस्तबाद की तो फहरिस्त है कि इंसान एक दूसरे का ख्याल रखे और एक दूसरे की इज़्दिवाजी ज़िंदगी इसी तरीके से कायम रहती है। तो जब शौहर जो है वो हुक्म नहीं चला सकता अपनी बीवी पर, तो शौहर के वालिदैन किस तरीके से हुक्म चला सकते हैं, पहली बात ये हो गई। लेकिन वही बात है कि ये बेटी जो है अपने सास ससुर को माँ के दर्जे पर और बाप के दर्जे पर अगर समझती है, तो यकीनन जितनी मदद वो कर सकती है खिदमत करें, और इसी तरीके से वो खिदमत लेने के अंदर भी देखें कि अपनी बेटी से क्या वाकई वो ये खिदमतें लेते हैं, क्या उन्हें खाना पकाने का, उन्हें चाय बनाने का, उन्हें घर की सफाई का, उन्हें सारे काम के अपनी बेटी को भी देते हैं नहीं देते, या फिर वो जब बेटी आती है तो बड़ी शहजादी होती है, घर की जो है दुल्हन होती है, और जब ये हकीकी दुल्हन जो घर में आती है उसे हम काम करने वाली और खादमा बना लेते हैं, तो ये तरीका भी नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह जी। इसमें मैं जुनैद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर भी शरण का लफ्ज़ आमतौर पर बोला जाता है ना, तो शरण खाली कानून को बताने के लिए नहीं बल्कि अखलाकियात की इंतहा को भी बताने के लिए है। ठीक। तो यहाँ आज 2 रवैये हो चुके हैं, या तो सास ससुर को बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है, या सास ससुर अपने आने वाली बहू को इग्नोर कर रहे हैं, दोनों गलत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास साहबा थी उम्मे रुमान, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जोजा मोहतरमा, जो कि उम्र में भी कम थी, उनको अम्मा जान कह के पुकारा करते थे। अच्छा। इंतकाल हुआ तो खुद कब्र में उतरे,
और अम्मा खदीजा की बहन जब दरवाज़ा आके दस्तक देती तो बाज़ आँखों में आंसू आ जाते उनकी मोहब्बत के अंदर। ऐसे ही अम्मा हलीमा, सादिया और हजरत शीमा जो रज़ाई बहनें और रज़ाई माँ हैं, उनकी वजह से, उनके सदक़े से हुनैन के मौके पे हज़ारों कैदियों को आज़ाद कर दिया कि मेरी बहन जो मुझे दूध पिलाया, मुझे दूध पिलाने वक़्त खिलाया करती थी और देखभाल करती थी। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हम देखें, खाली कानून को ना देखें कि कानून क्या है। वैसे भी हदीस पाक में आता है कि अबू का सलास, तुम्हारे वालदन तीन तरह के हैं, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की, जिन्होंने अपनी बेटी दी या जिस तरफ तुम गए, और तीसरे तुम्हारे वालदन। अच्छा मुफ्ती साहब, एक 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 ये फिर एक सवाल फिर मेरे जहन में ये आ रहा है कि भाई बीवी लेकर आ रहा हूँ ना मैं, कोई नौकरानी थोड़ी लेकर आ रहा हूँ कि वो मेरे माँ बाप की खिदमत में लग जाए। क्या मैं उसके माँ बाप की खिदमत में लगने को तैयार हूँ? उसको तो मैं कह रहा हूँ कि तेरा भाई किस मर्ज़ की दवा है, तो वो कोई मैं कोई खात्मा तो नहीं ला रहा ना कि वो मेरे माँ बाप की खिदमत करे। देखिए मैं अक्सर ये समझाता हूँ, मुझे कभी बयानात के लिए बुलवाते हैं शादी की तकरीब में, तो मैं इन उसूलों को जिक्र करता हूँ कि सबसे पहले लड़का लड़की को एक हुकूक ज़ौजैन कोर्स करना चाहिए, इसके बाद शादी होनी चाहिए, ताकि शोहर को पता हो कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं और क्या क्या हुकूक मेरे लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह लड़की को मालूम होना चाहिए। ये अदम वाकफियत की बिना पर ऐसा होता है कि शोहर ये कहता है कि तुझे तो मैं लाया इसलिए हूँ कि मेरे माँ बाप की खिदमत कर, इन्ना लिल्लाहि, और माँ बेटे से कह रही होती है कि ये शाम को मुझे चाय बना के पेश नहीं करती, इसको तलाक दे दे। और होता अच्छा, शोहर कहता है कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए उस पर मार रहा है, खाना क्यों नहीं पकाया उस पर मार रहा है। हालांकि लड़की पर ही कोई भी वाजिब नहीं है, शोहर पर लाजिम है नान नफका देना। नान नफका मतलब खाना पीना, रहाइश, लिबास। लिबास सिलावा देगा, खाना पीना अगर लड़की खुद बनाती थी तो कम से कम चीज़ें ला कर देगा, वो अपने लिए बनाएगी। शोहर की खिदमत भी वाजिब नहीं है उस पर। हाँ मुस्तहब के दरवाजे हजरत ने फरमाया बहुत है और करनी भी चाहिए खिदमत, लेकिन पहले इन चीज़ों को सीख ले ना इंसान, फिर उसे पता चले कि मुझे कहाँ तक जबर करने की इजाज़त है और कहाँ रिक्वेस्ट करनी होगी। जहाँ मैं रिक्वेस्ट करनी है वहाँ होता है जबर, और जहाँ जबर करना चाहिए कि औरत नमाज नहीं पढ़ रही है, बेपर्दगी कर रही है, वहाँ होती है रिक्वेस्ट। उससे खराबी पैदा होती है और घर का निज़ाम आपको ये नजर। अजीब बात फरमाई आपने, अजीब अजीब बात फरमाई जी। दूसरा सवाल जी, अजीब। अस्सलामु अलैकुम, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़ना ना चाहता हो और बीवी अदालत से खुला ले ले तो इसकी शरई हैसियत क्या है? पहले तकी भाई, फिक्र जाफरिया की रोशनी में अगर मर्द तलाक नहीं देना चाहता तो और कोई रास्ता नहीं होगा, यानी अगर खातून अपना मेहर माफ़ भी करना चाहती हैं इसके बावजूद शौहर ही की जिम्मेदारी होगी कि वो तलाक के सीगा जारी करे। और जब मेहर माफ़ करती है और इसके दरमियान ये देखा जाएगा कि क्या औरत और मर्द के दरमियान नफ़रत कायम हो गई है, बोझ कायम हो गया है, तो फिर ऐसी सूरत में तलाक के सीगे मर्द ही जारी करेगा। ठीक है, अलबत्ता जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात की तरफ इशारा किया और ये बहुत ज़रूरत है इस बात की, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे दीनी उमूर होते हैं कि जिसको हम अंजाम देने जा रहे होते हैं लेकिन उससे पहले जो हमें कोर्स करना चाहिए उसका। देखिए जब इंसान दुकान भी खोलता है तो उसके कुछ उसूल होते हैं, उसको जानता है कि भाई कानूनी कार्रवाई क्या होने वाली है। एक गाड़ी खरीदता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल करता है कि भाई ये गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए। अब पूरी ज़िंदगी के इंसान को फैसला करना है कि मुझे अब 40 बरस 50 बरस ता हयात मुझे उस मर्द के साथ रहना है, तो कौन कौन सी चीज़ें जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है वो रख लेनी चाहिए। उसमें एक चीज़ ये है जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक है कि अगर खातून निकाह के वक्त ये कह दे कि तलाक का इख्तियार जिस तरीके से मर्द के पास है इसी तरीके से इख्तियार मर्द मुझे हिबा कर दे और मर्द या मुझे भी दे दे और अपने पास भी रखे, तो ऐसी सूरत में अगर कोई परेशानी भी पैदा होती है तो फिर वो तलाक के सीगे मर्द की वकालत में औरत जारी कर सकती है और तलाक हो जाएगी। अगर ये शर्त पहले से रखी गई है, इसी बुनियाद पर निकाह हुआ है, वरना अगर नहीं हुआ है शुरू में जो है बहुत हंसी मजाक और खुशहाली के साथ जो है वो ये शादी हो गई लेकिन बाद में उसकी हसासियत का अंदाज़ा हुआ तो फिर मसाइल भी पैदा होंगे और उसके बाद फिर वो खुला खुद औरत तो नहीं ले सकती, मर्द को कह सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, अपना मेहर माफ़ कर सकती है, फिर मर्द की मर्जी है कि वो तलाक किसी का जारी करता है या नहीं करता। जी मुझे या हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में सिर्फ दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर जज शोहर के कायम मकाम होकर फ़स्ख़ निकाह कर सकता है। पहले तो ये एक तस्हीह दरकार है कि कोर्ट से जो ये निकाह ख़त्म करवाया जाता है ये खुला नहीं है, ये नहीं, ये फ़स्ख़ निकाह होता है। अच्छा, इसको फ़स्ख़ निकाह कहना चाहिए। खुला का मतलब तो ये होता है कि लड़की मुतालबा करे शौहर माल के बदले में तलाक दे, उसको खुला कहते हैं। ठीक,
और जो माल के बदले में तलाक ना हो उसको सिर्फ तलाक कहते हैं। ठीक। तो फिक्र हनफी में जज शोहर के कायम मकाम होकर तलाक नहीं दे सकता, फसख निकाह नहीं कर सकता, इसका हक सिर्फ शोहर को है। लेकिन बाज़ वजूहत ऐसी होती हैं जिसकी बिना पर फिर जज को इख्तियार दे दिया गया। मसलन एक मफकूदुल खबर है, शोहर कहीं चला गया और उसकी खबर आना बिल्कुल बंद हो गई, जैसे मसलन इराक गया, कोई बम ब्लास्ट हुआ, अब उसकी इत्तला आना बंद हो गई है। ऐसी सूरत में औरत कोर्ट में आएगी, जज उसको 4 साल की मोहलत देगा, पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा, तहकीक करेगा, गवाह मंगवाएगा, 4 साल की मोहलत देगा, 4 साल के बाद दोबारा औरत आके अपना दावा दायर करेगी। अगर वो शोहर की इत्तला कोई नहीं आई तो ये शोहर के कायम मकाम होकर फस्ख निकाह करवा देगा। दूसरा होता है कि शोहर इब्तिदा से ही हुकूक ज़ौजियत अदा करने पर कुदरत ना रखता हो, इसमें भी औरत आके मुतालबा करेगी, जज 1 साल की मोहलत देगा कि अपना इलाज करवाएं। 1 साल बाद अगर औरत आके फिर ये मुतालबा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर जज उसको शोहर को पहले कहेगा तुम तलाक दो, अगर नहीं देगा तो फसख निकाह। इसके अलावा फिक्र हनफी में कोई गुंजाइश नहीं है मुफ्ताबी कौल के मुताबिक। मुफ्ताबी का मतलब ये होता है कि अकवाल 2 तरह के होते हैं, एक राजे होता है, एक मरजू कौल होता है। उलमा राजे कौल अवाम के सामने बयान करते हैं और जो कम दर्जे का कौल होता है उसको अपने पास रखते हैं, लेकिन बवक्त ज़रूरत बाद-ओक़त मरजू कौल राजे पे गालिब आता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे एक शोहर है, बीवी को नान नफका नहीं दे रहा, मारता है, पीटता है। हज़रत मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी हैं कि कानों से खून बह रहा है उनके, नाक फाड़ दी है, जंजीरें बांध के उनको रखा हुआ है। ऐसे ऐसे शोहर जालिम भी मिलते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि जी आपका कोर्ट का फसख निकाह नाफिज ही नहीं होगा, कोर्ट बुला रहा है शोहर को कि आओ अपना बयान करो, वो आ ही नहीं रहा, नोटिस भेज रहे नहीं आ रहा, तो इस बच्ची को क्या मरने के लिए उसके लिए छोड़ दिया जाए? ऐसा तो नहीं कर सकते। रात के 2 बजे बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, वो पड़ोस में जाकर, वो मुझे ये सच्चा मैं आपको वाक्य अर्ज कर रहा हूँ, पड़ोस में जाकर उसने पना ली, उस शख्स ने उसके साथ बुरा मामला कर दिया। इस तरह के जब मामलात होते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर जज वाकई पहले इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीक करे, शोहर को बुलाए, नहीं आए तो वो फसख निकाह कर सकता है। लेकिन ये जो बहनें बाद अवकात करती हैं कि जी शोहर ने मुझे जेवर ला कर नहीं दिया, माँ की ज़्यादा फेवर करता है, बहनों की ज़्यादा सुनता है, तो हम कोर्ट में दावा दायर कर दिया, या तो पहले तलाक दो नहीं तो दावा दायर। अच्छा अब वकील क्या कहता है? ऐसे तो तुम्हें खुला नहीं मिल सकता, तुम इल्ज़ाम लगाओ, तुम्हारा शोहर औरतों के पीछे जाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, औरत उसके ताबेओं के झूठे इल्ज़ाम लगाकर फसख निकाह की डिग्री ले लेती है, यह खुला नाफिज करवाने की कोशिश करती है, ये तलाक नहीं होगी, वो लड़की उसके निकाह में रहेगी। बाज़ों का तो हम समझते हैं हर सूरत में कोर्ट का फसख निकाह नाफिज हो जाएगा, वो उसके निकाह में रहेगी, उसकी मनकूहा है। अब अगर किसी और जगह निकाह कर दिया, वो होगा ही नहीं, वो समझ लें गैर मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, तो इन तमाम उमूर पर तवज्जो करना इंतहा ज़रूरी है। यानी आपकी बात सुन के मुझे इस बात का ख्याल आता है कि ये मामलात जो हैं ये इतने सादे और सीधे नहीं हैं, इसके अंदर उलमाए किराम के मशवरे के बग़ैर चलना जो है इंतहाई ख़तरनाक बात है, बल्कि उलमाए किराम से पूछ के, बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ये तलाक के मसाइल और ये विरासत के मसाइल जो हैं, मैंने देखा है कि जो यहाँ पर पान की पिचकारियाँ फेंक रहा होता है ना और नसवार थूक रहा होता है, वो अगर दुबई जाएगा तो वहाँ का कानून भी सीखेगा। सच ये नहीं यार मेरा मसला हो जाएगा अगर मैं कागज़ फेंक दूंगा तो 50 दिरहम मुझ पर फाइन लग जाएगा, लेकिन दीन का मामला ऐसा है कि उसमें छोड़ो जी, इंटरनेट पर रिसर्च कर लेंगे। हाँ। और या फिर पप्पू पान वाला, मैं कहता हूँ मोमन के पप्पू पान वाले से मालूम कर लें। अच्छा मौलाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तमाम जायज़ उमूर में ये जो तलाक का अमर है ये इंतहाई मबगूज़ है अल्लाह की नज़र में। तो मुफ्ती साहब की अभी एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने फरमाया कि भाई शादी से पहले जो है वो मेरे मुझे खुद एक दफ़ा मौली तारिक जमील साहब बता रहे थे कि जब मैं मेरा बड़ा बेटा उसकी जब हमने शादी का इरादा किया तो फरमाते हैं मैंने 1 साल अपनी घर वाली को ये बताता रहा कि तेरे पास तेरी अपनी बेटी आ रही है, कि यहाँ तक कि मैंने उसका जहन ऐसा बना दिया, 1 साल तक मैं बात करता रहता था कि वाकई मैंने महसूस किया कि मेरी जो घर वाली है उसको वाकई जब मेरी बहू आई तो वो वाकई उसको अपनी बेटी ही समझती थी, मोहब्बत करते थे, उसी तरह की मोहब्बत करती थी मुझसे आपको। तो ये तो आजकल के दौर में इसीलिए आज तलाकें हो रही हैं। बात यह है कि आप कल परसों भी इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि खातून कह रही हैं कि दाढ़ी वाला बंदा है तो मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। ये जितने भी मसाइल माशरे के अंदर आ रहे हैं दीन से दूरी की वजह से हैं। सुभान अल्लाह, जो आपने बात फरमाई ना, अब गज़ुल हलाल इलल्लाह व तलाक, के अल्लाह के नज़दीक सबसे मबगूस चीज़ तलाक है। अब खुतबा निकाह को देख लें, अफसोस इतना कि हमें यही पता नहीं कि निकाह के खुतबे में क्या पढ़ा जाए। 3 आयात पढ़ी जाती हैं
और अजीब बात यह है कि तीनों आयात में निकाह का तज़किरा नहीं है, तीनों आयात में अल्लाह से डरने का तज़किरा है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बल्कि या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम में दो दफ़ा तकवे का जिक्र है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अदालतें, कवानीन, सारी चीज़ें नाफिज करवा सकती हैं, लेकिन रवैयों को कैसे नाफिज करवाएंगी? तो रवैये तब ही ठीक होंगे जब खौफ खुदा होगा। रसुल हिकमत मखाफतुल्लाह, तो खुदारा अल्लाह से डरते हुए सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने यह बनाया, हमने उसको सबसे बदसूरत बना दिया है। कायनात में सबसे पहला रिश्ता भी अल्लाह ने यह बनाया, जोड़ेगा, और जन्नत में जाने के बाद भी यही रिश्ता होगा। काश हम इसकी कदरदानी करने वाले बन जाएं। और इसी के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी बीवी गवाही दे दे कि ये आला अखलाक वाला है, मैं गवाही देता हूँ ये जन्नत में सबसे आला दर्जे में जाने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक आपने फरमाया भी, अपने घर वालों के साथ अच्छे रहा करो और मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में सबसे बेहतर हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसरूफ कौन हो सकता है? कोई इंसान मसरूफ उनसे ज्यादा हो सकता है? उसके बावजूद और फिर उम्महातुल मोमिनीन भी एक से ज़्यादा और इतनी उनसे मोहब्बत के सब की सब आपसे इतनी मोहब्बत करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन खूबसूरत इखलाक का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। जैसे हमारे उलमाए किराम ने फरमाया भाई, थोड़ा सा ये है कि घर में जब घर वाली को लाने लगो तो थोड़ा सा अपने अपनी बीवी को भी थोड़ा सा समझाओ, अपने बेटे को भी थोड़ा सा समझाओ, ताकि आप लोगों के घर ऐसे ही बसे रहें शादो आबाद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा।